हमारी नींद भी वापस नहीं मिली, लोगों को उनके ख्वाब जगा कर दिए गए, तामीर और तरक्की की आड़ लेकर यहाँ पर अपनों को कारखाने लगा कर दिए गए। भाई जो टैक्स इतना लगा रहे हो कि दिल से उतरे ही जा रहे हो सके तो मेरा एक काम करो, गैस का जल्दी से कुछ इंतजाम करो। भाई दास्तां है बहुत दुख भरी, अब तो शिव ला रहे वासी चौधरी। हेडलाइंस देखिए हमने सारी, कामरान खान के बाद अब हमारी है बारी। इसके साथ ही आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह आज तो आप बहुत रॉकर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे ने कि सुभान अल्लाह असि तो तैयार होने ना तो घर दे नु कहंदे मैनू पैक कर दियो मैं जाना। आज मोहसिन ने माशाल्लाह ड्रेसिंग बहुत वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरा भाई है छोटा वैसे भी, ये जैकेट भी देखो, शूज माशाल्लाह देखो, कोट देखो, ट्रेन रोकनी जी। अच्छा है, इसमें क्या बुराई है? खूबसूरत लग रही है, अमीर भी लग रही है। वासे भाई जिन्हें मर्जी कपड़े पालन लगते गरीबा के मुंडे ही आए। देखें बिल्कुल आपने सही कहा, जैसी इन्वायरमेंट हो वैसा इंसान को तैयार होना चाहिए। आज वो लग रहे हैं कि ऑड है, बिल्कुल वो भी ऑड लग रही है, मैं आपके साथ का लग रहा हूँ। देखिए ना तेरे नाल एदी भी बेइज्जती हो गई। मेरी तरफ तो उन्होंने इशारा ही नहीं किया। जी जी क्योंकि तेरी तो बेइज्जती हो ही नहीं सकती। क्यों? तो बंदे की इज्जत होवे तो बेइज्जती होती है। जे ठंड होवे तो और होती। लेकिन आज आप इतना क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सिंगर टाइप लग रहे हैं, क्या वजह क्या? आज हमारे पास मेहमान हैं, वो बैंड के आपको जरूर लगेंगे, आपको पता चलेगा कि बैंड के लोग कैसे लगते हैं। yes. मैं फिर लाड़ा बन के आज मुझे बैंड आ रहे थे। हमारे पहले मेहमान जो हैं वो इस बैंड के अंदर हैं, लीड गिटारिस्ट, बैकिंग वोकल्स भी करते हैं और साथ कॉम्पोजिशन में भी जरा हाथ पैर मारते हैं, वो जनाब हैदर हलीम। के साथ साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो भी गिटार बजा लेते हैं और साथ में बेस गिटार भी बजा लेते हैं, जनाब शाहान खान। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे इन कपड़ों के साथ ये रॉक बैंड खत्म हो गया है तो आप तीसरे के लिए तैयार हो जाइए। आपके बड़ा ही पसंदीदा वोकलिस्ट, लिरिसिस्ट और कॉम्पोजिशनों के मालिक जनाब मुस्तफा जाहिद। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। बड़े दिनों से आपका इंतजार था। ये तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बैंड है सर। क्या बात है। एक शेर लाया हूँ, अरे पिछला तजर्बा जो मेरा हुआ, जी 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 प्लीज, उसमें सर अजीब थी वो। ओके ओके आराम से आराम से, कोई बात नहीं। अजीब थी वो जिंदगी, चिराग थे के बुझ गए, नसीब थे के सो गए, जो मेहरबान थे खो गए। वाह वाह वाह। आए कुछ ऐसे बैंड भी, वो गाते रहे हम सो गए, समझ नहीं सका ये मैं, वो गा गए के रो गए। मेरा आज का शेर तो हिब्बा पे है जी। आहा, इन्नी सोनी कुड़ी मैं अपने पिंड नहीं वेखी। ओके ओके। इन्नी सोनी कुड़ी मैं अपने पिंड नहीं वेखी, मिट्टी दे विच रोल देवे मैं ऐसी जिंद नहीं वेखी। तू वेख नहीं बा सिल्की वाला वाले मुंडे, कुंडला वाली टिंड नहीं वेखी। वासे भाई पे आज मैं खुश हूँ कि माशाल्लाह तीनों मेहमान जेंट्स हैं, है ना? हाँ? मैं बहुत खुश हूँ थोड़ा। आज आप बहुत दुखी, आई नो राइट। लेकिन फिर भी शेर हिब्बा है ना सर? हिब्बा है ना। जिन्हें मुंडे बैठे ने मुझे भी मुंडा ही लगन लग पी। तेरी जिंदगी में कभी गम ना हो, तेरी आंख कभी नम ना हो, मेरी दुआ है तुझे मिले स्मार्ट सा दुल्हा जिसका वजन 150 से कम ना हो। Wow.
क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्लाह के शुक्र है। पहले तो यार ये बताएं, ये अलग अलग कपड़े कहीं से लेते हैं या सारों को इकट्ठे एक ही बंदे ने दिए? आज अलग अलग है वैसे। ये आपने क्या अपने बाल उनकी जैकेट के साथ मैच किए? नहीं, ये क्या, ये बालों का मुझे बताइए पहले, ये मुस्तफा क्या हुआ ये? यार ये मेरा जो स्टाइलिस्ट था वो चाहता था कुछ ट्राई करना। अच्छा। और उसने आज का दिन ही चूज किया ट्राई करने के लिए। तो ये बीच में, ये सिर्फ बीच में एक या ही आपने खुद छोड़ा हुआ? ये प्रोग्राम जाना से ना को टाइम थोड़ा बीच में एक आधी लटकी जो है। ये बड़े तरीके से आई है, मतलब ये लगता है कि जैसे सड़क बनी हुई और बीच में उन्होंने वो व्हाइट वाली लाइनें भी लगाई हुई जी। पांच घंटे में माशाल्लाह ये उन्होंने इतना सा किया। ये बड़ा वैसे कमाल डिजाइन है, क्यों पता चल जाता है कि इधर अद्धा सिर इधर अद्धा इधर। और माशाल्लाह आपकी जैकेट जो है कमाल छाई हुई है। ये तो चिड़ियाघर तो जैबरे के कपड़े पा रहे। कितनी महंगी होती है बताइए आप इनको प्लीज। मैं यहाँ आने से पहले जो है मेंटली प्रिपेयर थे। हाँ जी। मैंने से कहा शाहान तुझे और कुछ कहीं ना कहीं इस जैकेट में बहुत जूते भाई सिंगर लग ही नहीं रहे गिटारिस्ट सिंगर। हैदर भाई नहीं लग रहे क्यों? एक ऐसे प्रोग्राम च जान ना ते दो इटा भी नाल लेके जांदे। क्यों? खलो के मैं एक्टिकर पहुंच देने। मगर यार ये हैदर आप कुछ बोलिए ना सर, इन्होंने परफॉर्म करते हुए देखा नहीं है, बड़े जादूगर हैं। अच्छा जी। जी सर, पसीना आ जाता है किसे देखने वालों को कि यार ये भी बेचारा लग गई है। लेकिन गिनस बुक च भी इन्हों का नाम है जी। अच्छा। इन्हों का तुम सिर चेक करो 43 लाख जून निकले। लेकिन छोटा जहा कद है ना मसन के जिथे रश हो उसे फंक्शन से भी नहीं जाते, क्यों ऑडियंस के पैरों थले ना आ जाए। इन्होंने घर मेहमान गए ने ते लागे उन्दी नंगे ते मेहमान कहते बाजी स्प्रे करो ताडे घर कीड़े फिर रहे। लीड गिटारिस्ट है वो। हैदर भाई क्रिकेट नहीं खेल रहे। क्यों? एक बारी क्रिकेट खेलन गए उन्होंने कुछ सिक्का नहीं सी, इन्होंने टास कर लिया। आपको पता था कि यहाँ पे क्या होता है? मुझे बिल्कुल पता था। और आप फिर भी आ गए। मेरी गलती है। मगर मुझे ये बताएं कि आप भी गिटार बजाते हैं और आप भी गिटार बजाते हैं। हाँ। भाई तो आपको क्या कोई डर है कि इन दोनों में से एक दा स्लिप हो जाएगा जो आपने दो गिटारिस्ट रखे हैं? हैदर जो है वो रिदम गिटारिस्ट है। अच्छा। और शाहान जो है वो लीड गिटारिस्ट है। ओए होए होए, तो आप रिदम पे हैं? हाँ जी। जबरदस्त। वैसे आपकी लुक है मस्त है, आपको देख के मुझे पीटर जैक्सन याद आ रहे हैं। अच्छा। पीटर जैक्सन का पता है ना जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के डायरेक्टर थे, बड़ी वो वाली एक लुक है आपकी कि जैसे आप महव रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो मेरी डाइट भी वही वाली है। पीटर जैक्सन। अच्छा। हाँ, क्या खाने का ज्यादा शौक है? वैसे ही। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कभी मना नहीं किया आपको कि यार मुझे देखो मैं कितना जिम शिम ये वो, तो तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? ये तो चलता ही रहता जिंदगी में। इतना मना किया। वो मसल बता रहे ने अपने, ये वाल बताई जा रहे ने। लेकिन वालों का बड़ा फायदा जी। क्यों? सर्कस च 600 रुपया लाके ट्रक भी खिंचते ने। एक्चुअली में आप कोई इनको अपने साथ वाले भाइयों को नहीं को करते यार अपने साथ? शाहान को तो मैं जिम तक ले गया हूं। अच्छा। शाहान इज फिजिकली रियली फिट नाउ, जिम जाता है डेली। हैदर को 12 साल में तो नहीं ले जा सका, तो आगे भी चांस मुश्किल। एक बारी लेके गए ना ते पर्चा होने लगा सी। क्यों? उन्होंने डंबर कार ले गए। और नहीं नहीं, आप वैसे क्या जिम शिम का शौक नहीं है? शौक तो सबको होता है लेकिन अंदर नहीं बढ़न देने के बच्चों के लिए नहीं है। यार इतने भी छोटे नहीं है वो, आप इतने छोटे तो नहीं है ना? नहीं नहीं। लो बेड नाल पौड़ी ढा के उत्ते चढ़ते हैं। बस कर दो, खुदा का खौफ यार। अच्छा मुझे आप ये बताएं आपके बाल कितने अरसे में लंबे हुए हैं? काफी सालों से इतने ही हैं। कितने को सालों से? 8-10 साल से। तो ये क्या पैसे पूरे नहीं दे रहे कटवाने का? मसला क्या चल रहा है? या उदो कटाओगे जब खजूरां लगनगियां ना। ऐसे बड़ी एक रॉकर किस्म की लुक है आपकी, और आप तो खैर बिल्कुल एक और साइड पे निकल चुके हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आपका कुछ एक्टिंग का शौक भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मगर नहीं यार, लुक जो आपकी है बड़ी एक बालों की है, मतलब आपने भी माशाल्लाह वाइट जो एलिमेंट रखा हुआ है, इन्होंने बीच में कुछ गोल्डनिश
स्ट्रीक्स करवाई हुई हैं, ये किसी की फरमाइश पे हैं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर खुद क्यों आपको ऐसा लगा? लेकिन ऐसे ही ट्राई करने शो पे सच बोलना पड़ता है, बता दो किसकी फरमाइश नहीं नहीं किसी की फरमाइश का मामला है। शाहान के भी एक्चुअली हैदर जितने ही लंबे बाल थे। अच्छा, बल्कि ज्यादा थे। शाहान के तो बहुत लंबे बाल थे। अच्छा, क्यों कटवाया आपने? 9 साल से हम इकट्ठे बजा रहे हैं, हैदर और शाहान। अच्छा, और 9 साल शाहान की मिन्नतें कि यार लुक चेंज कर ले, अब फैशन चेंज हो गया, लंबे बाल नहीं चेंज किए इसने, और किसी ने 9 दिन में करवा दिए। अच्छा, मुझे फिर फुफोड़ी गुड़ी शाहान ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुस्तफा ने अपने से बनाई हुई बात। तो फिर आप सच्ची बात बताएं ना। नहीं बस वो एक्चुअली वीडियो भी हम लोगों ने किया है, तो उसके लिए भी मैंने लुक चेंज किया। अच्छा, आप में से शादी किसकी नहीं हुई? किसकी नहीं हुई? नहीं हुई, इन दोनों की नहीं हुई। ताड़ी दोमा दी, चलो ताड़ा से ताड़ा क्यों बेड़ा कर गया? लेकिन जो भी है अल्लाह करे, शादी का मूड है आपका बताएं। हैदर किस मेरे से पूछने से पूछ रहे? ताड़ा तो होना ही नहीं, ताड़ा तो जाना जदों भी होना हकीका होना यकीन हो सकता है यार, ये क्या बात है? क्यों नहीं होना है? इसी वजह से रुके हुए हो कि अब एक बार के लिए 2-3 रिश्ते आए हुए हैं और वो भी कंसिडर कर रहा है। हो सकता है कि शायद वो इसी इंतजार में हो कि अब मैं जब कोई ऐसी बात होगी तो फिर मैं एक बार ही नए रूप के अंदर सामने आऊंगा। सर वासे पे मेरे पास एक रिश्ता है ना, किसी लड़की ने कहा है। इनके लिए? इन वास्ते तो मेरे को बकरा नहीं है। तलखिए हयात से घबरा के पी गया, खांसी की दवा नाक में दबा के पी गया। हैरान हुआ देख के मैं उसकी फ्रैंकनेस, आगे से मेरे चाय वो उठा के पी गया। शादी पे आला सब्र का है ए मेरे डीजे, कोई खुशी से तो कोई तंग आके पी गया। मैं न करा ब्याह, उन्होंने बैचलर्स में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, मैं सही कह रहा हूँ? गुजर वाले आवे ना, को बोर्ड ना पढ़िया जाए तो यार मैं बैंड फॉलो किया है। अच्छा, ओदे विच एक चीज की कमी है। देखो बैंड विच एक ऐसा होना चाहिए बंदा जेड़ा गा रहा होवे तो बंदा सोचे भाई ए ओ मुंडा है जिन्हों अंडे पैने चाहिए। Welcome back to مذاق رات. مصطفی ایک بات بتائیں، اب آپ کی ماشاءاللہ شادی ہو چکی ہوئی ہے and you are happily married، تو اب آپ کے وہ والے گانے بند ہوئے ہیں تیرا میرا رشتہ پرانا؟ نہیں وہ تو بند نہیں ہو سکتے، وہ تو چلتے رہیں۔ ابھی بھی آپ کو یہ دکھ کب ختم ہوگا؟ ہاں یہ دکھ نہیں ختم ہو سکتا، شادی کے بعد تو زیادہ ہو جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے پہلے یہ والا نہیں تھا۔ اچھا، مگر نہیں کیا ایسا ویسے کیا دکھ لاحق ہے آپ کو؟ کس کی کون سا رشتہ ہے جو آپ کو نہیں مل رہا ابھی تک؟ ایکچولی مجھے پسند بھی ہمیشہ سے اس طرح کے گانے تھے، اور مجھے میرا میوزک بنانے کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی گانا بنے لوگ اس سے کبھی بھی ساری زندگی کنیکٹ کر سکیں۔ جیسے تیرا میرا رشتہ پرانا کو ہمیں بنائے ہوئے آج 14 سال ہو گئے ہیں، بٹ پیپل اسٹل ٹاک اباؤٹ دی سانگ۔ تو مجھے دا اونلی ریزن وی میک میوزک از دیٹ وی وانٹ پیپل ٹو کنیکٹ ٹو اٹ فار ایور۔ اس البم میں ایکچولی ہم نے بنائے ہیں 2-3 بڑے ہیپی ہیپی گانے، خوشی کے گانے بنائے ہیں نا۔ جی ہاں، آپ کا بھی اس میں کوئی ہاتھ تھا؟ جی بالکل تھا۔ کیا تھا؟ میوزک، لیرکس۔ اچھا جی ہاں، آئیڈیاز۔ ایک کتے پے سی انہوں نے لے آ کے دیتے سن، اس کمرے چ لکھے پے سن انہوں نے لے آ کے دیتے یار۔ نہیں مینوں نہیں لگ رہے قابل انسان، انہوں نے بیچلرز میں انگلش لٹریچر پڑھا ہوا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ گزر والے آوے نا، کوئی بورڈ نہ پڑھیا جائے تو یار۔ اب بھائی آپ خود کیوں نہیں بتاتے کیا آپ نے پڑھا اس میں؟ پنوں کو شیکسپیئر کے بارے میں بتائیں، کوئی ان کو آسکر وائلڈ کا بتائیے، کوئی چارلز ڈکن کا بتائیے۔ آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ آپ کو خود پتا ہے کہ نہیں پتا؟ بالکل پتا۔ تو کیوں نہیں آپ ان کو اون کیوں نہیں کر رہے؟ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں نا، شرمان کے سیکھنے والا ہوں۔ اچھا، میں ٹیچ تھوڑی کرتا ہوں۔ نہیں مگر ویسے یار کوئی بندہ بتا تو سکتا ہے نا کہ کیا بتاؤں؟ ادھر دیکھ کے گل کرو کہ جیٹھ ہے تہاڈا کوئی۔ آپ ان کو شیکسپیئر کے بارے میں بتائیے۔ شیکسپیئر ایک بہت بڑے رائٹر تھے، جنہوں نے پلیز بھی لکھے، پوئمز بھی لکھیں، جنہیں جوانی پھرنی آنی بھی لکھی۔ بالکل کوئی والا ایگزیکٹلی، ساڈے لیے وہی شیکسپیئر ہی بنیا بھائی۔ آپ ان کو بتائیے، کوئی شیکسپیئر کے پلیز کا نام بتائیے۔ رومیو اینڈ جولیٹ، ہیملٹ، میکبیتھ۔ ہیملٹ درد کی ہے؟ ہیملٹ ڈیتھ نہیں ہوئے انہوں نے کیا؟ رومیو جولیٹ ہیملٹ ڈیتھ انہوں دونوں دی ہوگی بھائی۔ میکبیتھ میرے کل میکبیتھ نکلے بہت ہڈا بڑا آپ نے کیا پڑھا تھا بھائی؟ میں نے بی اے سمپل کیا۔ کیا کیا سبجیکٹ تھے آپ کے پاس؟
सब्जेक्ट्स तो अब तो खैर याद भी नहीं, अब तो कितनी देर होगी, अब तो बूढ़े हो गए. म्यूजिक के अलावा के शौक है, फिल्में वगैरह भी देखते हैं? जी जी हाँ जी ऑब्वियसली. ये दोनों बहुत देखते हैं फिल्म्स. आप नहीं देखते? क्यों? एक तो मुझे 3 घंटे बैठा नहीं जाता सिनेमा में, दूसरा मेरा ध्यान ज्यादा नेटफ्लिक्स और साइड पे चला गया, तो मैं ज्यादा नेटफ्लिक्स और उस तरह के टीवी शोज में ज्यादा. अच्छा, टेलीविजन यानी कि सीरीज देख रहे हैं आप? ज्यादा. अच्छा, और आप भैया आप देख लेते हैं? आपने जैसे मेंशन किया था पीटर जैक्सन, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मेरी फेवरेट मूवी है. अच्छा, देखें फिर कैसा सही गेस किया मैंने. लेकिन मैं उन सन में वड़न कोई नहीं देता, एकदम फिल्म देख रहे हैं हाफ टाइम है, कहते बोतले बोतले. जैसा आपने कहा कि 14 साल गुजर चुके हुए हैं, तो कुछ याद ही ताजा करा दें. You know, I'm very happy today. Why? I'm going to Islamabad. Okay. The big band, he was calling me last night. Which big band? Oh, kehnde ne utthe ek satkafti mela aa rahe hai. Acha. Utthe main gaavanga te bade paise kum aavanga. Wow, wow. Could you please give me 700 rupaya? You know, coach diyan tickets mehngiyan ho gayiyan na. Unhone kiya advance booking karani pendi hai. So could you please help me? Wapsi te main tuhade waste na utho pant coat le aavanga do do lande chon. Anula. Magar tum itni dur kyu ja rahe ho? Tumhe main yahi pe band dilwaya tha, tum unse pooch lo, unke sab baja lo. This guy? These guys, Roxen band. Wow. I love you. इन्हां दा मैं बैंड फॉलो कीता है. अच्छा, ओदे विच एक चीज दी कमी है जिदी वजह तों ये सुपर हिट नहीं हो रहे. और वो क्या है? देखो, बैंड च एक ऐसा होना चाहिदा बंदा जेड़ा गा रहा होवे ते बंदा सोचे भई ए ओ मुंडा जिन्नू अंडे पैने चाहिदे. तुसी मैनू अगर उत्थे जीत कर लो ना ते अंडे टमाटर जपेरा ते कसुने खान दा मैं मास्टर हां, ते तुसी मैनू अपने नाल रखो, मैं तुहाडा एंबेसडर बन जावांगा. चलो, यू नो आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट. मैं तुहानू यूएसए, यूके, यूरोप, कैनेडा, अमेरिका, हर जगह मैं शो बुक करांगा तुहाडे वास्ते. ओए होए, और इच मैनू तुसी 2% कमीशन देना. आप इनका बैंड ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ऑडिशन दें उनको? यस, आई एम, व्हाई नॉट. बांवरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, बांवरी चकोरी करे दुनिया से चोरी. ये क्या है? वो मैं गले नाल मुर्की नहीं ना ला सकता. देखिए, पॉप रॉक बैंड है. वो मैं हाथ नाल मुर्की ना. ऑडिशन कोई पॉप रॉक गाना गा के हमें दे सकते हैं? ये क्या गा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि कोई पॉप गाना सुनाओ तुम, जो कि उनके बैंड के लिए फीजिबल हो. तुम क्या सुना रहे हो उनको? नो प्रॉब्लम. वो अंग्रेजी वाला सुना आज गाना. ओके, है ना? बेबी डोंट वरी अबाउट अ थिंग, वाह, बट एवरी लिटिल थिंग गोना बी ऑलराइट. क्या बात है. देखिए, डाउन आके गाना बड़ा मुश्किल है. Rise up this morning, my lips rising some. 3 little birds by my door side. Side, 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 side. Wow! थोड़ी सी आपको एडवाइस देना. Yes, please. जब आप डाउन गए थे ना, और जब आप डाउन जाते हैं तो डाउन ही चले जाया करें, वापस ना आया करें. यानी तुसी मैनू पक्का पॉइंट को पहचाना चाहते हैं. Could you please give me 700? I don't have. No problem. इतने आराम से शक्लो ही मनहूस है. आपकी ये जो जीन्स है, इन पे कुछ लिखा भी हुआ है. हाँ जी. ये क्या लिखा हुआ है? पिछले प्रोड्यूसर तो पैसे रेंदे हो याद से. एडे प्यारे लोग है ने, इन्हों की वजह से तुम बचे हुए हो. ये थोड़े माइंड नो रिलैक्स कर देने. दरम्यान वाला फौत हो गया.
वेलकम बैक टू मजाक रात। ये बताइए म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं आप तीनों के आपस में? ज्यादा नहीं मिलते पर थोड़े बहुत मिलते हैं। आपको लेटली कौन पसंद रहा है? अच्छा मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। ये दोनों का प्रॉब्लम ये है कि इन्हें बॉलीवुड से बहुत मसला है। अच्छा मसला इनको मसला इन अ सेंस कि इनको लगता है वो ये अच्छा नहीं है। अच्छा कई म्यूजिक इसमें मैं हर तरह का सुनता हूँ। आजकल एक बहुत पुराना बैंड था वर्टिकल होराइजन, सो आई हैव गॉन बैक टू दैट म्यूजिक बिकॉज आजकल कुछ नया इतना अच्छा नहीं रहा। कोल्ड प्ले हमेशा से बहुत पसंद रहा है, जुनून और कोल्ड प्ले बहुत ज्यादा पसंद रहा है। और नया जो है मुझे लगता है उसमें जितना भी नया म्यूजिक पाकिस्तान से, आसिम अजहर बहुत अच्छा, आई थिंक ही इज अ वेरी डिसेंट किड, बहुत अच्छा गाता है। और सोच बैंड, सोच और आसिम अजहर। आपको सर? वैसे बचपन में तो सुनते थे माइकल जैक्सन और फिर बॉन जोवी, फिर अब ब्रायन एडम्स, और आजकल सुन रहा हूँ मैं काफ़ी सिंथ वेव टाइप म्यूजिक जो कि 80s के म्यूजिक से इंस्पायर्ड है काफ़ी ज़्यादा। 80s के लेडीज के 80s के म्यूजिक से इंस्पायर्ड, ठीक है। आप भाई? मेरा काफ़ी डिफरेंट सा रहा है, जो मैं बड़ा हो रहा था उस टाइम पे गजल और बॉलीवुड, क्योंकि ऑब्वियसली घर में इस तरह से बड़े हुए। तुसी किड्डे नसीब वाले कह रहे हैं मैं बड़ा हो रहा था, ये दे भी नहीं कह सकते। तो फिर खैर जब बड़ा हुआ तो फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो फिर पता लगा कि अच्छा रॉक साइड है, फिर वो सुनना शुरू किया। अब आजकल जो है बिल्कुल ही मेरी लिसनिंग जो है वो ख़त्म की हुई है खुद से, क्योंकि क्रिएटिविटी के टाइम पे सबकॉन्शियस में कुछ भी रह जाए तो वो लगता है कि कॉपी हुआ हुआ जिस तरह, तो अवॉइड करता हूँ मैं ज़्यादा। ओके वैसे मुझे ये बात बताइए, आपकी ये जो जीन्स हैं इन पर कुछ लिखा भी हुआ है? हाँ जी। ये क्या लिखा हुआ है? पिछले प्रोड्यूसर तो पहे रहेंगे और याद कर अपने बैंड दे गजनी है। एड्रेस वगैरह लिखे हुए क्या? नहीं कुछ भी नहीं है, इसके पर कोट है कोई। ये क्या कोट है? इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ओके इफ यू कांट डू बिग थिंग्स डू स्मॉल थिंग्स इन अ बिग वे। ये बात जो थी इसको क्यों आपने इतनी तजीक क्यों की? ये जो नया गाना आप लोगों ने बनाया है ये क्या है? ये हम लोग की एक एल्बम है भूला समंदर, उसका पहला सिंगल है और गाने का नाम है मेरे साथिया। ये गाना हमने कुछ 7-8 साल पहले बनाया था पर कभी रिलीज ही नहीं किया बिकॉज हम बहुत बॉलीवुड कर रहे थे उस टाइम पे, तो वो एक फेज था कि हम कुछ भी एल्बम का गाना बनाना चाहते थे तो वो फिल्म में चला जाता था। हम एक वीडियो करने लगे थे वो मर्डर 3 के लिए गाना कर लिया, फिर एक और गाना है वो फिल्म में दे दिया। तो मुझे लगता था कि कहीं 2010 एंड 15 हमने बैंड म्यूजिक हम परफॉर्म पूरी दुनिया में इकट्ठे कर रहे थे पर म्यूजिक हमारा इंडिपेंडेंट खत्म हो गया था बैंड म्यूजिक। तो फिर 2016 में वी सैट टुगेदर कि नहीं यार अब बैंड म्यूजिक करना है, तब से लगे हुए थे एंड फाइनली वी सैट टुगेदर और जैम किया दोबारा और इस गाने को रीडू करके रिलीज किया, विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एल्बम विच वी आर गोना डू नाउ। अच्छा जबरदस्त, और इसका वीडियो भी है? जी इसका वीडियो भी अभी रिसेंटली। वाह वीडियो में ये दोनों भाई भी नजर आएंगे? बिल्कुल आगे इसका वीडियो नजर आ रहे हैं दोनों। लेकिन अच्छा, सर ताड़ा जड़ा बैंड ना कभी नाकाम नहीं हो सकता माशाल्लाह। क्यों? तुसी अच्छे सिंगर हो, गिटार अच्छी बजांदे, ये पीछे बैठ के दुआवां कर रहे हैं अदर भाई। आपको बड़ा शौक था बाइक्स वगैरह का, हैवी बाइक, और तो अभी भी है या छोड़ दिया? वो बेटा पैदा होने के बाद से खत्म कर छोड़ दिया है। तो आपने अपनी बाइक इनमें से किसी को दे दी? इन दोनों को एक्चुअली मुझे ना कार्स का शौक से ना शौक है ना बाइक्स का शौक है। ये दोनों आप क्या कोई इस तरह की कोई रॉकर हरकत नहीं करते? नहीं नहीं। क्यों बाइक वगैरह क्यों नहीं चलाते? वैसे शौक ऊपर बैठे फिर थले लता नहीं ना लगती। तो फिर ये नया गाना हमें भी सुना दीजिए जरा। बस हो गई यार मेरी। okay. यार 24 घंटे काम काम ही काम काम ही काम काम ही काम। अब पीटीआई वाले तो साढ़े वास्ते अजाब बन गए। अच्छा यार हर वेले काम दिन तक सुकून आएगा। हाँ। लेकिन नहीं भाई नहीं चैन लेने देंगे। मैं हजार बारी समझाया मैं को एडा काम ना करो दिमाग सुन गड़ोन भड़ोन हो जाता। अच्छा। मैं तो कहना जी अब जाके ना हाँ। कोई बंदा दस्से उन्हें ठीक है कामरान खान साहब दसो
भाई म्यूजिकल माइंड होना चाहिए। इस तरह नहीं हुकूमत चल रही। कामरान खान जो वजीर आजम नहीं अजकल इमरान खान हाँ वो कौन है वजीर आजम हाँ तो कामरान खान कौन है एंकर है तो मैं क्यों मिल के आए हैं आप वजीर आजम साहब हाँ इमरान खान साहब यार प्रोग्राम के जरिए दसो अच्छा कि यार थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट जिंदगी च होनी चाहिए मैं जरूर करूंगा मगर अभी मैं बिजी हूँ एक्चुअली बात कर रहा हूँ ओ माँ चल मुबारक हो भाई आज तो सिंगर की ट्रेल पई ने क्यों क्यों ओ भाई मैं अपरले बच्चे की पट्टियां करा लिया मोटरसाइकिल तो डिगन नहीं नहीं उनका स्टाइल है ये अच्छा माँ चल भाई ऐसे तुहाडा बैंड सुप्री बिल्कुल हाँ भाई बड़ा जबरदस्त बैंड जा रहा भाई तुसी इमरान खान साहब नु किस तरीके समझाओ कौन समझाएगा मेहमान बुला ना जी नफीस लोग इन्होंने बजाओ एडे प्यारे लोग है इन्हों की वजह तो तुसी बचे हुए हो ये थोड़े माइंड नु रिलैक्स करते ने दरम्यान वाला फौत हो गया प्रोग्राम चो मार भी पई है क्यों गिटार ते अंडा फ्राई करन लग गए सर मैं थोड़े नाल एक पिक्चर लेनी यादाश्त वास्ते कैन आई हैव वन पिक्चर प्लीज जिड्डी अच्छी तेरी इंग्लिश है ना अल्लाह तेनू सफाई करे ते तेनू लत्तां तो गजीट के थाने लै जावे ते राज एंड ही निकल आप ओके मैसेज आते कि जी वाल कटाओ इंज लगता साडी फुफो बैठी मैं अच्छा जी आप को अभी वो गाड़ी में नहीं लेके जा सकते साथ मैं बटन नाल ले आयो ना दी गड्डी तोड़ दे वेलकम बैक टू मज़ाक रात जी तो किससे आगाज करें हैदर से शुरू करें उसके माशाल्लाह पूरा शो या उसके इर्द-गिर्द चल रहा है बिल्कुल जी जी फिर हैदर आपको आगे कर दिया उन्होंने ठीक है जी जी अजय हर प्रोग्राम में तुसी पीछे होंदे हैदर एक चेयर लिफ्ट पे फंस के हैं दो पहाड़ों के दरमियान में अच्छा ठीक है जी और नीचे खाई है ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं और 7-8 घंटे चेयर लिफ्ट यहीं फंसी रहनी है इनमें से किसको अपने साथ आप इस चेयर लिफ्ट बिठाना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास हैं महवेश हयात और कतरीना कैफ महवेश हयात कोई खास वजह दोनों का नहीं मुझे ज्यादा पता उन्होंने भी नहीं पता एग्जैक्टली ये बताएं इनमें से किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे किसके साथ दो साल में काम करना चाहें और किसके साथ काम ना भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपको ठीक है जी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर आतिफ असलम और सजाद अली तो किसके साथ एक साल में काम करना चाहेंगे सजाद अली किसके साथ दो साल में काम करना चाहेंगे आतिफ असलम और किसके साथ काम ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता अली जफर वाह 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 बहुत सारी तालियां इनके लिए सर किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे शाहान किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब है और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे ठीक है जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शहजाद रॉय आसिम अजहर और इब्रारुल हक आसिम अजहर का फोन सबसे पहले उठाएंगे मैसेज पे जवाब किसको दे रहे हैं शहजाद रॉय शहजाद रॉय और किसका फोन आए तो आप फोन अपना बंद ही कर देंगे ऑप्शन कोई नहीं है मेरे पास इब्रार साहब इब्रारुल हक साहब आपका फोन आया तो उन्होंने अपना फोन ही बंद कर देना सॉरी ये बताइए तीन नाम दूंगा आपको इन तीन नामों को आपने ब्रैकेट्स में डालना है ठीक है तो ये बताइए कि कौन सा नाम किधर जाएगा जो तीन जोन्स आपके पास हैं वो हैं इग्नोर मैरी और फ्रेंड जोन अच्छा ठीक है तो जो नाम आपके पास हैं वो है मोमना मुस्तहसन जोई विका जी और तीसरा नाम है आपके पास आयमा बेग तो बताइए कौन है इसमें से फ्रेंड जोन में जोई कौन है इसमें से इग्नोर जोन में मोमना और कौन है इसमें से मैरी जोन में आयमा बहुत सारी तालियां इनके लिए जी मुस्तफा भाई जी तैयार हैं सर तैयार हूं जी ये बताइए सर किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं और किसका फोन आए तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगे ऑप्शंस आपके पास हैं महिरा खान महवेश हयात और सबा कमर सबसे पहले सबा कमर का फोन उठ रहा है किसको दे रहे हैं मैसेज पे जवाब यार ये बहुत टफ है बिकॉज मुझे यही तीनों पसंद है सिर्फ हाय हाय जनरल नॉलेज पे जाऊंगा जनरल नॉलेज पे जा रहे हैं मायरा खान और महवेश हयात के दरमियान में आके उन्होंने सोचा कि अब हम नहीं रुक पाएंगे और
जाएंगे जनरल नॉलेज की तरफ। आपको ये याद दिलाता चलो कि जब चाहें आप मर्जी अपने ओरिजिनल सवाल पे वापस आ सकते हैं। तो ये बता दीजिए, इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ किस तारीख को उठाया था? It was close to 14th August, 18th August. वाह वाह वाह। अगले सवाल पर चलते हैं, क्या पता दोबारा जनरल नॉलेज का रुख करें ये। सर ये बता दीजिए, एक डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स, एक आपकी अपनी, दूसरी आप किसी और को दे सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं, एनी खालिद और मलिका शरावत। मैं एनी खालिद को बचाऊंगा। बचा लिया उन्होंने पाकिस्तानी को, बहुत सारी तालियां मुस्तफा के लिए। Best of luck for your new song and your whole new album.